What happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3 plus salt? सो मॉइस्ट ये ना इसको रिड्यूस कर देगा. मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इट रिड्यूसेस Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस. इतना ही बात याद रखना है. देखो SO2 में सल्फर कितने ऑक्सीजन स्टेट में है? प्लस फोर में है ना. मॉइस्ट है, मॉइस्ट मतलब पानी प्रेजेंट है. पानी प्रेजेंट है तो वो क्या बना देगा? अच्छा पहले ये बताओ, सल्फर अगर प्लस फोर में है वो ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाएगा? +6 में ही जाएगा ना. +6 में अगर सल्फर का कोई ऑक्साइड है और वो +6 में है तो वो कौन सा ऑक्साइड है? SO3, यही है ना. और उसको अगर पानी में डाल दोगे, इसको वाटर में डालने से क्या बनेगा? H2SO4. और हमने मॉइस्ट SO2 लिया है ना, मतलब पानी है वहां पे, एक्वस है. एक्वस है तो फिर ये यही बनेगा. ये याद करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री के नॉलेज से पता होना चाहिए आपको. ठीक है ना बात. एसिडिक मीडियम में जब भी SO2 ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बनाएगा. और Fe3+ तो रिड्यूस होकर Fe2+ ही बनेगा, और क्या बन सकता है? आयरन के कितने ऑक्सीजन स्टेट कॉमन होते हैं? +2 और +3. तो +3 रिड्यूस होकर +2 बनता है. ओके अब इसको बैलेंस कर लोगे, रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया था मैंने. Fe2+ plus SO2 gives Fe3+ plus sulfate. अब एन फैक्टर निकालेंगे. इसका एन फैक्टर कितना है? 1. चेंज इन ऑक्सीजन नंबर 1 है, नंबर ऑफ एटम 1 है. इसका एन फैक्टर चेंज कितना है? क्या +4 से +6, चेंज 2 का है. +4 से +6 चला गया ना, तो चेंज कितने का है? 2 का. नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 है, तो 2 × 1 2, एन फैक्टर 2 आ गया. कैसे करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, जिसको 2 से इसको 1 से. अब कोड है AOH, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो आयरन यहाँ 2 है, यहाँ 2 करो. यहाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 है. तो एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बैलेंस हो गए. अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यूजिंग वाटर. इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, इधर 2. इधर 2 वाटर डाल लो. डाल लिया. ओके अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे यूजिंग H+. इधर कितने H+ है? 4. इधर 4 H+ डालो. ये बैलेंस हो चुका है. 2 Fe2+ प्लस SO2 प्लस 2 वाटर गिव्स 2 Fe3+ प्लस SO4 2- प्लस 4 H+. ये होना चाहिए. यही है ना. तो ये रटनी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना. नेक्स्ट, कमेंट ऑन नेचर ऑफ 2 SO बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल. आर द 2 SO बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल? तो देखो SO2 तो बहुत सिंपल है ना, SO2 कैसे बनाओगे? तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6. 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6. ओ 1 2 3 4 5 6, ये होता ना. ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 और चाहिए. तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ 2 बॉन्ड तो बना दो. लो बन गए 2 बॉन्ड. ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, सल्फर का ऑक्टेट भी पूरा हो गया ना. ये तो हो गया पूरा, लेकिन इस ऑक्सीजन का नहीं हुआ पूरा. इसका नहीं हुआ ना पूरा, तो इसको पूरा करने के लिए सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, है ना. ये 2 इलेक्ट्रॉन मिटाओ यहां से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से. ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये सल्फर खुद भी यूज करेगा, ऑक्सीजन को भी यूज करने के लिए देगा, ट्रांसफर नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है ना. अब सबका ऑक्टेट पूरा है, देख लो. समझ में आ गई बात. तो अब ऐसा हो सकता है, तो ये यहाँ पे ये बना हुआ है. अब इसमें फॉर्मल चार्ज यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हो? जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो, चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है चाहे कोवलेंट बॉन्ड है. जैसे यहाँ सल्फर के पास 2, तो यहाँ पे 2 तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. 6 में से हाफ सल्फर के हिस्से आएंगे, तो 3 आ गए. 3 और से 5, और सल्फर के पास होते कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 6. तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फॉर्मल.
यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 6 तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, दो बॉन्डेड है, दो में से इसके हिस्से में एक आएगा, तो 7 हो गए टोटल, तो होते हैं 6, तो माइनस चार्ज, ऐसे फॉर्मल चार्ज ऐसे निकलता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों काउंट करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए शेयर्ड में से एक काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए, तो अगर ऐसे है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है असल में, चाहे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट को ना ऐसे एरो से दिखा भी सकते हो, नहीं भी वो तो ये बन सकता, तो ये भी बन सकता है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएंगे ना इसके। तो एक्चुअल रियल हाइब्रिड क्या होगा, एस डैश डैश ओ डैश 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 डैश, ये होगा ना, तो इसमें दोनों बॉन्ड्स इक्वल हैं, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड दो है, लोन पेयर एक है सल्फर के पास, तो 2 + 1 3, 3 मतलब sp2। स्ट्रक्चर इसकी बेंट है क्योंकि एक लोन पेयर है, ठीक है बात। ये रियल हाइब्रिड दिखाया हुआ, हाउ इज प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। तो जो मॉइस्ट SO2 है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद कर लो ये बात, मॉइस्ट SO2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, खुद ऑक्सीडाइज होकर मॉइस्ट SO2 क्या क्या बन जाता है, सल्फेट, ये बात तो याद होगी ना। ओके, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, इट रिड्यूसिस पिंक कलर्ड पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4 टू कलरलेस Mn2+। ये पिंक कलर का होता है, पोटाशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, ये इसको रिड्यूस करके Mn2+ बना देगा जो कि कलरलेस कंपाउंड है। इस तरह से हम इसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, फटाफट कर लेते हैं चलो हम लोग, चलो बैलेंस करें, SO2+ MnO4-, क्या बनेगा, ये सल्फेट और Mn2+, यही बनेगा ना। अब एन फैक्टर निकालेंगे, सल्फर SO2 का एन फैक्टर कितना आया, ये +4 है ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे, +6, चेंज कितने का, 2 का, नंबर ऑफ एटम 1, सो 2 × 1 2, एन फैक्टर 2, यहाँ पे +7 में, यहाँ पे ये +2 में है, तो चेंज है 5 का, और नंबर ऑफ एटम 1 है, सो 1 × 5 एन फैक्टर 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर्स, इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, अब कोड लगेगा AOH, एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि सल्फर और मैंगनीज है, तो यहाँ सल्फर 5 है, यहाँ सल्फर 5 कर दो, यहाँ मैंगनीज 2 है, यहाँ 2 कर दो, हमने ए बैलेंस कर लिया। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे यूजिंग वाटर, इधर कितने ऑक्सीजन है, 10 और 8 18, इधर कितने हैं 20, है ना, तो इधर 2 कम है, 2 वाटर हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे यूजिंग H+, इधर कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इधर 4 H+, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, चेक करें, यही दिया हुआ, तो ये याद नहीं करनी होती, ठीक है। तो ये पिंक होता है, ये कलरलेस होता है, इस तरह से SO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। हाउ इज SO2 एन एयर पॉल्यूटेंट, SO2 एक एयर पॉल्यूटेंट कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड इज हार्मफुल इन फॉलोइंग वेज, तो कैसे हार्मफुल है देखो, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये देखो, ये रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सल्फर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, SO3 बनेगा, SO3 पानी में मिलके क्या बनेगा, SO4, तो यही बनेगा ना फिर, ठीक है। फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड रेन का कॉम्पोनेंट है, एसिड रेन होती है, उससे एसिड रेन किसको डैमेज करती है, प्लांट्स को, सॉइल्स को, बिल्डिंग्स को, स्पेशली जो मार्बल से बने हैं, तो ये SO2 का हार्मफुल इफेक्ट है। फिर क्या है, इवन इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन SO2 कॉजेज इरिटेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ये इरिटेशन पैदा करता है, थ्रोट इरिटेशन करता है, आईज को इरिटेट करता है, लैरिंग्स को भी इफेक्ट कर देता है, लैरिंग्स पता ना, वॉइस बॉक्स जहां से बोलते हैं गले से, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ब्रेथलेसनेस कर देगा, सांस में प्रॉब्लम करता है,
फिर क्या, प्लांट्स एक्सपोज टू सल्फर डाइऑक्साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम लूज कलर फ्रॉम देयर लीव्स। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्लांट्स उसको एक्सपोज हो जाए तो अब उसका रंग चला जाता है पत्तों का, क्यों होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्लोरोफिल होती है प्लांट्स में वो अफेक्ट हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से, उसकी फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाती है, फॉर्म नहीं होता क्लोरोफिल। ओके,